दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बड़े खुशखबरी के बारे में, या फिर अगर हम कहें उनके इंतजार खत्म होने के बारे में। साथ ही साथ एग्जाम डेट को लेकर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर हो, या फिर अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में जारी को लेकर, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट, इसके अलावा छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में, साथ ही आप सभी के इंतजार खत्म होने को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन चयन बोर्ड के माध्यम से जारी हुआ था, अब आपकी परीक्षा को लेकर अपडेट निकलकर सामने आ रही है और मैं आप सभी को जो भी जानकारी दूंगा ऑथेंटिक और अधिकारियों के माध्यम से मिली सटीक जानकारी आप सभी को दी जाएगी। आजकल तो आप जानते हैं कि अधिकारी भी इतनी सटीक जानकारी नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो भी छात्रों के साथ कहीं ना कहीं इस प्रकार की जानकारी देकर भूल जाते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, इसके अलावा उनसे संबंधित परीक्षा की तारीखों के बारे में, तो जुलाई में आप सभी का जो इंतजार है वो खत्म होगा। उसकी वजह क्या है वो भी आप जानते हैं क्योंकि अब आप सभी के सामने एक दिन शेष है जुलाई के अंदर, फिर आप सभी की परीक्षा को लेकर जो अपडेट है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी आप सभी के सामने वजह देखने के लिए मिल रही है टीजीटी पीजीटी को लेकर, जिसमें अधिकारियों के माध्यम से बताया जा रहा है कि यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए जुलाई के अंदर उनको खुशखबरी भी मिल सकती है, साथ ही साथ उनका जो इंतजार है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। कैसे, ध्यान से समझिए। अधिकारी कहते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो परीक्षा करवानी है वो नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होगी और नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जुलाई में होने वाली हैं। पहली, आप सभी जानते हैं कि 24 जुलाई 2023 को सुनवाई होने वाली है हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा कि अभी तक आयोग क्यों नहीं बना और अगर आयोग बन चुका है तो इसकी जानकारी दी जाए और अगर नहीं बन रहा है तो परीक्षाओं को लेकर पुराने आयोग के माध्यम से करवाने के बारे में। तो पहली जानकारी तो आप सभी के सामने 24 जुलाई 2023 की है। दूसरी, उनके माध्यम से बताया गया है कि जो आयोग स्तर का काम है वो लगातार शासन स्तर पर जारी है। इसको लेकर बताया भी गया था कि जो संशोधन करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे वो हो चुके हैं, साथ ही साथ जो त्रुटियाँ थी उनको भी दूर कर लिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जुलाई के बीच में, मध्य में, 15 से लेकर 20 जुलाई के बीच में शासन स्तर पर एक बैठक देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर नए शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित प्रस्ताव को लेकर यहाँ से मंजूरी दी जा सकती है या फिर उस मीटिंग के अंदर इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। अधिकारी ये भी कहते हैं कि शासन स्तर पर काफ़ी लंबे समय से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर प्रस्ताव लंबित है। कुछ ऐसी अंदरूनी प्रक्रियाएं हैं जिनके चलते इसमें समय लग रहा था, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि जुलाई के अंदर ही आयोग बनकर तैयार हो जाएगा। जुलाई का एंड आते आते नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर आपको खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, उनका भी कहना है कि जैसे ही आयोग बनेगा एक महीने के अंदर अंदर सभी भर्ती परीक्षाओं के बारे में यहाँ से जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी, खास तौर पर उन भर्ती परीक्षाओं के बारे में जो पहले से नए शिक्षा सेवा आयोग के, यानी कि नए शिक्षा सेवा आयोग के बनने से पहले आ चुकी हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीजीटी पीजीटी। अधिकारियों के माध्यम से मिली जानकारी को अगर समझें तो उनका मानना ये है कि अगर जुलाई के लास्ट में आयोग बन जाता है तो अगस्त और सितंबर के बाद में नई परीक्षाओं को करवाने का जो जिम्मा है वो आयोग के पास में होगा, यानी कि आपके पास 2 महीने का समय और मिल जाएगा सब कुछ करने का। इन्हीं 2 महीनों के बाद आपको टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देखने के लिए मिल सकती है, अगर अधिकारियों की बातों पर हम बिलीव कर सकते हैं तो, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिली है मैंने आपको वही दी है। फिलहाल सब कुछ डिपेंड करता है यहाँ पे आयोग के बनने पर। अगर आयोग पहले बन जाता है तो आपकी परीक्षा और पहले भी हो सकती है, हालाँकि इतनी जल्दी बनेगा कि नहीं ये सबसे बड़ा इंतजार है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर गदा मचा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है।
तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जैसा कि हाल ही में महानिदेशक स्कूली शिक्षा से मुलाकात देखने के लिए मिलती अभ्यर्थियों के माध्यम से, जिसमें अभ्यर्थियों की तरफ से 51,112 पद खाली होने की जानकारी दी जाती है, 63,000 पद विधानसभा में बताए जाते हैं। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद में स्कूली शिक्षा महानिदेशक कहते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर शासन स्तर पर जो कार्य होगा वही आपको यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अधिकारी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि विज्ञापन निकालने और विज्ञापन जारी करने संबंधित जो कार्य हैं वो शासन की तरफ से किए जाते हैं, खासतौर पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर। उनका कहना यह है कि रिक्त पदों का डाटा तो कई जिलों से मंगवाया गया है और लगातार रिक्त पदों को लेकर समीक्षा भी की जा रही है। हाल ही में 27 तारीख को हुई बैठक के अंदर भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के मुद्दे को रखा गया था, लेकिन नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर जो फैसला करना है वो सरकार को करना है। मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन देखने के लिए मिला था वो अंतिम डिस्कशन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्ट बनाई जाती है मीटिंग के अंदर वो बाद में शासन को सौंपी जाती है और फिर शासन स्तर से इन मुद्दों को लेकर फैसले लिए जाते हैं। यही वजह है कि रिक्त पदों को लेकर जानकारी तो मांगी गई है, लेकिन शिक्षक भर्ती विज्ञापन से लेकर आगे की कार्यवाही करना वो सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। महानिदेशक स्कूली शिक्षा के माध्यम से यह भी बताया गया कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर ना आने की सबसे बड़ी समस्या नई शिक्षा सेवा आयोग की भी है। एक बार अगर आयोग बन जाए तो नई शिक्षक भर्ती में आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सुपर टीईटी के अलावा जो अभ्यर्थी लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी मिशन नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 1 जुलाई 2023 को धरना रखा गया है इको गार्डन के अंदर। कल अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। देखना यह होगा कि कल कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां पहुंचते हैं और उसके बाद में क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं खुशखबरी के बारे में एलटी गेट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से एलटी गेट को लेकर पूछा जा रहा था कि हाल ही में जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर नई सूची जारी की गई थी वो कहाँ पे मिलेगी और कैसे मिलेगी, कैसे उसको देखना है। इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप देखना चाहते हैं इस वाली सूची को तो आपको जाना होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि UPSC पर। वहाँ पर जाने के बाद में यह बताया जाता है कि कितने अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, कितने कितने पदों के सापेक्ष, जैसे कि सभी अलग अलग विषय, इसके अलावा हिंदी, पुरुष, महिला, सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। सभी के संबंधित अभ्यर्थियों के बारे में यहाँ पर आप सभी को लिस्ट देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपने भी एलटी गेट शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था तो आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर उन सभी अभ्यर्थियों का चयन के बारे में जानकारी दी गई है जिनको दोबारा से चयनित किया गया है वेटिंग लिस्ट के माध्यम से, और इससे बड़ी, इससे अच्छी खुशखबरी नहीं हो सकती है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। फिलहाल पूरी की पूरी लिस्ट उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए डाल दी है UPSC.NIC.IN, उसी पर जाकर अपनी वेबसाइट पर आप अपने नाम को चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम है तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।